कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में रह चुकी हैं। बीजेपी ने उन्हें इस साल के लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा का टिकट दिया था। लोकसभा चुनाव जीतकर कंगना रनौत पहली बार सांसद बनी। तो चलिए आज जानते हैं कंगना के वो बयान जिन पर भारी विवाद हो चुका है। किसान आंदोलनकारियों पर कंगना का वो बयान। दिसंबर 2020 में बीबीसी ने 88 साल की बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर का एक वीडियो पोस्ट किया था। महिंदर कौर झुकी कमर के बावजूद झंडा लिए पंजाब के किसानों के साथ मार्च करती नजर आई थी। महिंदर कौर की इस फोटो के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तुलना शाहीन बाग प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली बिल्किस दादी से भी की जाने लगी थी। उस वक्त कंगना रनौत ने बिल्किस और महिंदर कौर दोनों की फोटो एक साथ ट्वीट करते हुए तंज कसा था और लिखा था कि हाँ हाँ, ये वही दादी है जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। कंगना का राहुल गांधी पर टिप्पणी। जुलाई महीने में संसद सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिव और महाभारत की कथा के चक्रव्यूह का जिक्र किया था। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर बयान दिया था कि जिस तरह से वह बदहवास बातें करते हैं उनका टेस्ट होना चाहिए कि क्या वो कोई ड्रग्स लेते हैं। कंगना रनौत ने शंकराचार्य पर भी सवाल उठाए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शंकराचार्य के ऊपर भी जुलाई के महीने में सवाल खड़े किए थे। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की टूट और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने लिखा था कि राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसी मुद्दे से जुड़े एक पोस्ट में लिखा था कि शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कंगना के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए थे। कंगना का वो बयान जब उन्होंने असली आजादी साल 2014 में मिली कहा था। साल 2021 में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को साल 1947 में भीख में आजादी मिली थी और देश को असली आजादी साल 2014 में मिली। दरअसल भारत को अंग्रेजों से साल 1947 में 15 अगस्त के दिन आजादी मिली थी। ये आजादी लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद मिली थी, जबकि साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कंगना के इस बयान के बाद भी बड़ा विवाद हुआ था। कंगना रनौत ने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड एक्ट्रेस कहा था। तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर पर कंगना की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर बहस में बदल गई थी। कंगना ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दोनों एक्ट्रेसेस को बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया था। इसके बाद भी खूब विवाद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नव भारत टाइम्स।